This is an ABP Life podcast. आज है इंटरनेशनल योग डे 21 जून, और बड़ा प्राउड फील होता है कि इंडिया से हुई योग की शुरुआत आज ग्लोबल पहचान बन चुकी है और इंडिया से ही वाई ब्रेक की शुरुआत हो रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने इम्प्लॉयज से कहा है कि स्ट्रेस फ्री और तरोताजा रहने के लिए, फ्रेश रहने के लिए आप ऑफिस में अपनी चेयर पर वाई ब्रेक लीजिए। आयुष मंत्रालय ने मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योग के साथ कोलैबोरेट करके ये वाई ब्रेक बनाया है। वैसे अगर आप कॉर्पोरेट में काम करते हैं तो ये सलाह तो आपके लिए भी अच्छी है, मगर ये वाई ब्रेक है क्या, चलिए आज बात करते हैं इसके बारे में डिटेल में FYI में सिर्फ एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर उनसे जिन्होंने इस वाई ब्रेक को बनाया है। मैं मानसी हूँ आपके साथ, और मेरे साथ में जुड़ने जा रहे हैं मायसेल्फ, मैं डॉक्टर ईश्वर आचार्य, मैं प्रोग्राम ऑफिसर योगा थेरेपी के रूप में मैं मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान आयुष मंत्रालय में काम कर रहा हूँ। योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको। धन्यवाद आपको भी, और जितना भी जो स्रोत सुन रहे हैं आपकी जो प्रोग्राम को सुन रहे हैं, या उन सबको और पूरा देशवासियों को मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामना देना चाहता हूँ। इस संदर्भ में भी आग्रह करना चाहूँगा लोगों से कि कुछ ना कुछ रूप से थोड़ा बहुत ही सही योग करें और अपना जिंदगी को एक नया डायरेक्शन देने का एक कोशिश आज से कम शुरू करें। क्या आप हम सबको ये बता सकते हैं कि रोजाना मिनिमम, क्योंकि लोग ज्यादा से ज्यादा तो कर नहीं पाते, लोगों के लिए अपने लिए समय निकालना बड़ा मुश्किल हो गया है, लेकिन अगर आप वो मिनिमम टाइम बता सकें कि सिर्फ पूरे दिन में इतने मिनट अगर आप योग को अपनाते हैं तो आपके जीवन में चमत्कार हो सकता है। देखिए, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द टाइम। यानी ये कुछ लोगों के पास 1 घंटे हो सकता है तो कोशिश करे 1 घंटे का एक शेड्यूल बना ले, 45 मिनट का कर ले, आधा घंटे कर ले, 20 मिनट का कर ले, 15 मिनट का कर ले, एडी मैक्सिमम वही 4-5 सूर्य नमस्कार के लिए 5 मिनट भी आप निकाले वो भी हो सकता है। मतलब सिर्फ अगर पूरे दिन में आप 5 मिनट भी अगर आप योग को अपना रहे हैं तो आप अपने अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। अब पढ़ना चाहूंगी उस सवाल पर, चूंकि मैं खबरों में पढ़ रही थी कि आयुष मंत्रालय ने मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योग के साथ कोलैबोरेट कर वाई ब्रेक इंट्रोड्यूस किया है, योगा एट ऑफिस चेयर। तो मैं चाहूंगी इसके बारे में सबसे पहले आप ये बताएं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई है, ये वाई ब्रेक है क्या? इसमें हम जितना भी लोगों को सलाह देते थे या कुछ एनकरेज करते थे, भाई आप योगा कर लीजिए, वही जो आप जो आपने जो बात किया है कि टाइम की, टाइम किसी के पास आजकल नहीं, टाइम है नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन टाइम निकालना बहुत मुश्किल पड़ रहा है, या वो उस तरफ की सोच एक प्रीऑक्यूपाइड चलता रहता है। मोर इसमें हमने यही सोचा कि अभी मान लीजिए कि 8 घंटे या 10 घंटे कॉर्पोरेट में या गवर्नमेंट ऑफिस में लोग काम करते हैं, वाई नॉट वी गेट इन टू देयर डोर स्टेप, कुछ उस तरफ से एक टाइलर मेड या एक कैप्सूल और कैप्सूल की टाइप उनकी टेबल तक ये पहुंचा जाए योगा को, ताकि वो लोग उसको वो करे जो भी 5 मिनट, उसको अपना वर्किंग आवर में ही 5 मिनट निकाल कर कम से कम सुबह 1-2 बार या आफ्टरनून की टाइम में 1-2 बार वो कर ले, ताकि कम से कम जो बेसिक चीज है, ये बेसिक मूवमेंट है योग के द्वारा और कुछ ब्रीदिंग का है, उसमें वो कुछ उनको मिल जाए, ताकि वो लोग उसका बेनिफिट उठाए। इस सोच से, इस बैकग्राउंड से हम इसको डेवलप करने के लिए सोचा, और इट हैज बिकम नाउ वेरी पॉपुलर आल्सो। जी, क्या ये वाई ब्रेक ये जो है ये इंडिया में ही सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया है या पहले भी कहीं बाकी देशों में इसका जिक्र? नहीं, एज फार एज माई नॉलेज गोस इवन अदरवाइज, इट इज ए फर्स्ट टाइम सच एन एफर्ट हैज बीन मेड बाय द गवर्नमेंट। ओह वाओ वाओ, दैट्स सो गुड टू नो, हम इंडिया वालों ने पहली बार ये श्रेय हमें भारत को ही मिलता है, अभी तक कुछ ऐसे हुआ नहीं है। जी, अब मैं आपसे डिटेल में जानना चाहूंगी इस वाई ब्रेक के कंपोनेंट्स के बारे में, कि अगर कोई ये वाई ब्रेक अपने ऑफिस चेयर पर ऑफिस में करना चाहता है तो उसको एग्जैक्टली वो कौन से आसन हैं जो करने होंगे इस वाई ब्रेक के दौरान? इसमें देखिए, सिंपल प्रोटोकॉल कंप्रेंस अ फ्यू सिंपल योगिक प्रैक्टिसेस, इसमें ताड़ासन है, मतलब सीधा हाथ को सीधा करके स्ट्रेच करना है, ऊर्ध्व हस्तोत्तासन है, ताड़ासन में आएंगे, सेकेंड इसमें लाइन में स्कंद चक्र है,
उत्थान मंडूकासन है, यहाँ कटि चक्रासन का है, तीसरे में है अर्ध चक्रासन है, प्रसारित पदोत्तासन है और डीप ब्रीदिंग उसके साथ है। उसके बाद दो प्राणायाम हमने इंट्रोड्यूस किया, इसमें नाड़ी शोधन प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम। ओके, ये इस नजरिए से भी हमने मतलब ये इसको डेवलप किया, एनीबॉडी हु इज हेल्दी एंड इवन डिजीज, ओके, मतलब फ्रॉम द एज ऑफ 8 to 80s, मतलब इस तरफ से ये कोई भी कर सकने वाला, ऐसे कुछ प्रैक्टिसेस हमने इंट्रोड्यूस किया इंक्लूडिंग दी प्राणायाम, मतलब एनीबॉडी कैन डू एंड एनीवेयर कैन डू। तो यानी कि कुल मिलाकर ये जो वाई ब्रेक है, ये पोस्चर, ब्रीदिंग टेक्निक और मेडिटेशन का ही एक एमालगमेशन। मेडिटेशन तो मत कहिए इसमें, प्राइमरली कुछ स्ट्रेचेस प्रैक्टिस, मतलब योगिक प्रैक्टिस विद स्ट्रेचेस, डीप ब्रीदिंग और कुछ प्राणायाम का। ओके ओके, तो ये इनका अमालगमेशन है जो हमें 5 मिनट के अंदर करना है। ओके ओके ओके, इसके साथ ही आपसे मैं इस बारे में बातचीत करना चाहूंगी, क्योंकि आज म्यूजिक को भी हम सेलिब्रेट करते हैं 21 जून को योग के साथ साथ। बहुत सारे लोग जो हैं वो योग के साथ म्यूजिक को जोड़ते हैं, वहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नहीं, हमें योग के दौरान म्यूजिक डिस्ट्रैक्ट करता है। सो एक योग आचार्य होने के नाते आप योग और म्यूजिक के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, म्यूजिक के बारे में बहुत डिटेल मुझे ध्यान तो नहीं है, उसकी रागा है डिफरेंट, इतना तो सुनते ही हम भी कि योग में, योग के साथ म्यूजिक छोड़ी, क्या ये अप्लाई होती है सर? इसमें जो मेरा पर्सनल राय ये है कि जितना भी हम इसको एक इंस्ट्रूमेंटल, सिंपल सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक को योग प्रैक्टिस करते टाइम में या मेडिटेशन या ध्यान करते टाइम में यूज करेंगे, probably that will further encourage or facilitate the process, मुझे वहाँ लगता है। लेकिन कई बार हम instrumental में जो lyrics का instrumental हम बजा देते हैं या कोई गाने का simple instrumental बजा देते तो तुरंत हमारा मन वो lyrics में चले जाता है। It should be non-syllable, मतलब simple कुछ flute बजा दिया या तंबूरा बजा दिया या इस तरह की जो simple कुछ वेरी सॉफ्ट म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल होगा, सो प्रोबेबली दैट इज गोइंग टू हेल्प एंड इट इज गोइंग टू एनहेंस द इफेक्ट ऑफ द प्रैक्टिस आल्सो, वो मैं समझता हूँ। एंड आल्सो मान लीजिए कुछ लोग जब हम मेडिटेशन करते हैं तो इनिशियल बिगिनर्स है तो ऑब्वियसली कुछ कॉन्सेंट्रेशन में प्रॉब्लम होता है। आप सिंपली आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट लेकर मेडिटेशन में चले जाते तो मन इधर उधर भटकने के चांसेस बहुत ज्यादा होता है। अभी मान लीजिए थोड़ा म्यूजिक का सहारा लेंगे एटलीस्ट जो डिस्ट्रैक्शन का 50% हमें इसको कम करके वी कैन, और म्यूजिक बेशक वो म्यूजिक को ही फोकस कर ले। ओके ओके, इन दैट वे इट कैन हेल्प। मेडिटेशन में क्या है, कंटीन्यूअस फ्लो ऑफ थॉट टू ए सिंगल ऑब्जेक्ट जी, है ना, वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है या कोई साउंड भी हो सकता है, ओम हो सकता है, ओमकार ध्यान का तो सुना ही होंगे आपने। जी जी, जिस पर हम अपना ध्यान फिर केंद्रित कर सकते हैं। हाँ, वो कर सकते हैं जी, बिल्कुल। आखिर में आपसे यही जानना चाहूंगी कि योग से हम आज क्या क्या चीजों पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, अगर हम डिजीज की बात करें या अपने लाइफस्टाइल की बात करें सर? फॉर दैट मैटर मेरा रिवर्स क्वेश्चन होगा जी, कौन सा फील्ड एक्सक्लूड है है ना, बिल्कुल। मैं इस तरफ से क्वेश्चन पूछूंगा, इसीलिए कि ये नहीं कि मैं योग से हूँ इसलिए मैं योग का प्रचार प्रसार में कर रहा हूँ या उसकी बेनिफिट को हाईलाइट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। एंड इट्स अ फैक्ट, एनीबॉडी हु डज योगा वो प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, मैनेजमेंट ऑफ डिजीज से लेकर रिहैबिलिटेशन प्रोसेस तक, मान लीजिए पोस्ट ऑपरेटिव केस है, पोस्ट कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा है, पोस्ट कैंसर रिकवर्ड पेशेंट भी हो सकता है जी, उस तरफ की जो केस में भी, जो रिहैबिलिटेशन में भी बहुत काम करता है, मतलब ऑल दी लेवल्स ऑफ जो मेडिकल ट्रीटमेंट कह सकेंगे और मेडिकल केयर, ट्रीटमेंट से भी ज्यादा मेडिकल केयर है उसमें करता ही है। उसके साथ साथ प्राइमरली क्या है कि रोग निरोधक शक्ति, जो हमारी जो इम्यूनिटी है, हमारा जो शरीर का डिफेंस सिस्टम है, वो जितना मजबूत होगा इतना हम
कोई भी एक डिजीज से प्रिवेंशन पा सकते हैं. फॉर एग्जांपल इन ड्यूरिंग द कोरोना पैंडेमिक जी वाई हार्डली 10 or 12% ऑफ द पॉपुलेशन इन द कंट्री गॉट अफेक्टेड विद कोरोना. वाई नॉट द अदर 80% or 90% ऑफ द पॉपुलेशन जी. इट इज बिकॉज ऑफ द इम्यूनिटी. जिसका इम्यूनिटी लो होगा वहाँ तुरंत हमारे जो पैथोजेन एंटर कर लेता है उसको कुछ ना कुछ सिम्टम्स उस शरीर में उस उसमें लाना बॉडी में लाना शुरू कर लेता है जी. बाई रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ योगा द एंटायर इम्यून सिस्टम हमारा जो डेवलप होता है डेवलप होने से आपको एक लॉन्ग टर्म एक रक्षा कवच कह सकेंगे वो मिल जाता है. अंडर एनी सर्कमस्टेंस आप इवन इफ यू आर एक्सपोजिंग टू दी इन्फेक्शियस एरिया तब भी शायद आपको कोई इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होगा. दूसरा क्या है कि एक बेसिक मेटाबॉलिक रेट होता है हमारे शरीर पर. मतलब हमारे जो फिजियोलॉजी के हिसाब से जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है डिफरेंट ऑर्गन्स को उसको जितना आप ओवर वर्क कराएंगे वो इतना जल्दी खराब होने शुरू हो जाएंगे या उसकी जो एफिशिएंसी कम होने शुरू हो जाएंगे. लेकिन उसका जितना मिनिमम यूज करके मैक्सिमम आउटपुट की तरफ देखेंगे प्रोबेबली योगा इज द ओनली आंसर इन द वर्ल्ड. ओके हाँ दैट्स व्हाट आई कैन वेरी कॉन्फिडेंटली से. थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर. हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे. मैं मानसी हूँ आपके साथ. दिस इज एन एबीपी लाइव पॉडकास्ट.